राजधानी शिमला में नशे के खिलाफ युवा कांग्रेस अभियान शुरू करने जा रही है। युवा कांग्रेस द्वारा शिमला शहर में इस अभियान की शुरुआत की जाएगी और स्कूल कॉलेजों में जाकर जहां युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगी, वहीं अभिभावकों को भी नशे के बारे में बताएगी। यही नहीं, युवा कांग्रेस नशे का कारोबार करने वालों को पकड़ने में पुलिस की मदद करेगी। शिमला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान युवा कांग्रेस सोशल मीडिया के उपाध्यक्ष आर्यमन सिंह ने युवा पीढ़ी आज के समय में नशे के दलदल में फंसती जा रही है, खासकर युवा चिट्टे नशा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ युवा कांग्रेस शिमला में अभियान शुरू करने जा रही है और युवाओं को नशे से दूर रहने को लेकर जागरूक करने के साथ ही नशा बेचने वालों को पकड़ने की कोशिश भी करेगी। इसको लेकर जल्द शिमला एचपी के साथ बैठक भी की जाएगी और शहर में नशा बेचने वालों को पकड़ आने में युवा कांग्रेस पुलिस की मदद करेगी। इसके अलावा नशा बेचने वालों को बेनकाब करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान में नशे के खिलाफ काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के अलावा रिहैबिलिटेशन सेंटर भी साथ से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि नशे के गिरफ्त में जाने वाले युवाओं को उनके परिजन इस नशे के दलदल से बाहर लाने में झिझक न रह करें, उसको लेकर भी परिजनों को भी इसके प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि जो युवा इस दलदल में फंस चुके हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। जी, मैं आर्यमन सिंह, उपाध्यक्ष जिला शिमला सोशल मीडिया कांग्रेस। जी, किस तरह का अभियान शुरू करने वाले हैं आप? जी, ये सिंथेटिक ड्रग्स है, इसके माध्यम से हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को अवेयर करेंगे। पुलिस प्रशासन के साथ स्टिंग ऑपरेशंस भी करेंगे और आगे जाके स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, मैचेस रखेंगे। कब से इस अभियान की शुरुआत? ये अभियान की शुरुआत जी मार्च से हो जाएगी, जब स्कूल्स एंड कॉलेजेस। एक्टिविटीज क्या रहेंगी इसमें? क्या देखा जाता है अक्सर कि इस तरह के अभियान हर जगह चलाए जाते हैं लेकिन सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, आप ग्राउंड उस पर काम किस तरह से करेंगे? क्योंकि अगर ऐसे अवेयरनेस चलाना और वो करना आपका क्या रहेगा अलग से? देखिए, हमारे पास ऐसे भी कई जाने वाले हैं जो पहले इस नशे के चपेट में थे, हमें पता है कि कौन क्या तस्करी कर रहा है, हमारे पास पूरी लिस्ट है और आगे जाके जो है हम उनको पकड़वाने का प्रयास करेंगे पुलिस प्रशासन के साथ। और ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, इसको आगे स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टिंग ऑपरेशन भी हम करेंगे। सीएम से जो है हमारी पूरी तरीके से बात होगी और उनका भी पूरी तरीके से हमारे साथ सहयोग है। कैसे नशा लेते हैं, क्या उनको चिन्हित करेंगे कि जैसे लोगों के घरों में या कोई अगर नशा लेता है उसको बाहर निकालना? अगर कोई ऐसा आता है तो हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है, काउंसलर्स की टीम है, हम अपने भाई अपने दोस्त की तरह जो है उनका इलाज करेंगे। इसके अलावा सर, सरकार एक तरफ भांग को जो है वो लीगल करने की बात कर रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसे नशे को बढ़ावा मिलेगा? नशे को बढ़ावा मिलेगा, उस पर रोक लगाने के लिए और भी कदम जो है सरकार उठा सकती है अगर उसको आप थोड़ा पॉजिटिव वे में सोचे। भांग सिर्फ नशे के लिए यूज नहीं होता है, दवाइयों के लिए भी, मेडिसिन के लिए भी बनती है। हो सकता है जब सरकार ने ये निर्णय लिया है तो उसको, ताकि नशे का इस्तेमाल ना करे लोग, तो उस पर भी कुछ कदम उठाएगी सरकार। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।